पब्लिक टीवी आपकी आवाज। योग गुरु बाबा रामदेव मंगलवार को मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने बलदेव अग्रवाल नेचुरोपैथी सेंटर की शुरुआत की। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि देश में ऐसे ही 1000 सेंटर पतंजलि आयुर्वेद संस्थान की ओर से खोले जाएंगे। यहां के नेचुरोपैथी सेंटर का नामकरण करते हुए इसे पतंजलि वेन्यू सेंटर बताया। बाबा रामदेव मंगलवार दोपहर को हेलीकॉप्टर से मुरादाबाद पहुंचे। सर्किट हाउस ग्राउंड से वो कार द्वारा कांट रोड स्थित सेंटर पहुंचे, जहां अपने अनुयायियों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पतंजलि योग संस्थान ने प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कदम बढ़ा दिया है और इससे ड्रग माफिया भी भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से लोग ठीक हो रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इस चिकित्सा से ठीक कर देंगे, बल्कि हमने कहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा से हमने लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर दिया। बाबा रामदेव के साथ हरिद्वार आश्रम से आचार्य बालकृष्ण जयदेव शास्त्री, राजस्थान के फक्कड़ महाराज भी मौजूद रहे। इस दौरान बाबा रामदेव ने चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी उनके पास आए योग के जरिए उनके मनमुटाव को दूर कर देंगे। पतंजलि वेलनेस सेंटर के 1000 से ज्यादा केंद्र देश भर में खोले जाएंगे, जिसमें योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, चिकित्सा से लेकर के 100 से ज्यादा थेरेपियों का इस्तेमाल करके इनकेरेबल डिजीज, क्रोनिक डिजीज और जेनेटिक डिजीज, माने कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का स्थायी समाधान, जिसको आज सस्टेनेबल हेल्थ के रूप में पूरी दुनिया जानती है, उनका एक केंद्र के रूप में एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो पतंजलि वेलनेस सेंटर के 1000 से ज्यादा केंद्र पूरे देश भर में खुलेंगे, जहां पर 100 से ज्यादा योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की अलग अलग थेरेपीज का इस्तेमाल करके हम जेनेटिक डिजीज, इनकेरेबल डिजीज, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और लाइफस्टाइल डिजीज का स्थायी समाधान हम लोगों को प्रोवाइड करा करके एक सस्टेनेबल हेल्थ उपलब्ध कराएं। बाबा जी, कांग्रेस में फूट पड़ गई है, उनके क्या 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 मैं संदेश क्या दें? बड़ी पार्टी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये शुभ नहीं है। देश में एक सबल विपक्ष भी होना चाहिए और उसके लिए कांग्रेस में टूट फूट ना हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और यदि कांग्रेस ही चाहें तो मेरे यहाँ पतंजलि योग पीठ में आकर के रह सकते हैं, उनको योग भी सिखाएंगे और उनके मन मुटाव दूर करके हम चाहेंगे कि ये पार्टी टूटे नहीं। बाबा जी, आज पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।